शक्तिमान को गिरफ्तार नहीं करना, क्योंकि शक्तिमान ने हमारा अपहरण किया ही नहीं था। जो अपराध शक्तिमान ने किया ही नहीं है उसके लिए उसको गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? हमको तो किडनैप इसने किया था। शहर के मेयर कुमार रंजन ने मेयर कुमार रंजन शक्तिमान को बदनाम करने की साजिश इन्हीं की थी, और शहर में ये जो आतंक फैल रहा है ना सर, वो सिर्फ इसकी वजह से, मेयर कुमार रंजन की वजह से। वो तो अच्छा हुआ कि मिस्टर सबकर ने फोन करके पुलिस को इसके अड्डे पर बुला लिया और हमने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मैं खुद इसके अड्डे पर गया था, हमें इसके खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। शहर में आतंक फैलाने के साथ साथ हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई भी करता था। इसके संबंध अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गिरोह से भी है। खैर, अब शहर में सालों से फैला हुआ साहब का आतंक खत्म हो चुका है, और साथ ही हमें यह भी पता चल चुका है कि साहब के भेष में ये सफेदपोश कुमार रंजन है, जो सालों से मेयर बनकर हमको धोखा दे रहा था। मेरा बस चले तो ऐसा जहर फैलाने वाले हर इंसान को जिंदा नहीं छोड़ू मैं। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, जो शक्तिमान आज तक लोगों के दिलों पर हीरो बनकर राज करता था, आज उसी शक्तिमान ने सभी के दिलों को तोड़ दिया। सच्चाई और नेकी के पथ पर चलने वाला शक्तिमान आज देशद्रोही बन गया है। शक्तिमान इतना नीचे गिर जाएगा कि दूसरे ग्रहवासियों के कारण वो अपने ही देश से गद्दारी करेगा, और अपने देश से गद्दारी करने वाला इंसान देशद्रोही होता है, जिसे हम कभी माफ नहीं कर सकते। शक्तिमान बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा, इसीलिए उसके खिलाफ अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट इश्यू कर दिया है। ताज्जुब की बात है, कानून के जिस झूठे दाव पेज में तुम शक्तिमान को फंसाना चाहते थे, आज कानून के उसी दाव पेज में तुम फंस कर रह गए, और अब वही कानून तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा। लेकिन एक सजा है जो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें दूंगी। अच्छा किया आपने, अच्छा किया। ये तो सिर्फ शुरुआत है मिस्टर मेयर, एक बार हवाला चलो, खातिरदारी क्या होती है ये तुम्हें मैं बताऊंगा।
आई एम सो सॉरी शक्तिमान। इट्स ऑल राइट इंस्पेक्टर, ऐसा होता रहता है। अफसोस है शक्तिमान कि तुम्हें इन सब से गुजरना पड़ा। नहीं कमिश्नर साहब, मैं समझता हूं उल्टा अच्छा ही हुआ। इसे कम से कम यह तो साबित हो गया कि कानून कभी भी किसी निर्दोष को सजा नहीं देता। साहिद की कहानी और उसका आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कमिश्नर साहब, शक्तिमान का निर्माण ही हुआ है समाज की रक्षा करने के लिए, और मैं आखिरी सांस तक समाज की रक्षा करता रहूंगा। चलो मिस्टर सबकर और शीना, आप दोनों को अंतरिक्ष छोड़ देता हूं, चलता हूं। शहर का अपराध मुक्त माहौल देखकर वाकई खुशी हो रही है। लोगों में अपराध करने के प्रति डर की भावना ही इस शांति को जन्म दे सकती है, और यह डर बना रहे तो ही शांति बनी रह सकती है। ये क्या है? मुझे जाकर देखना होगा। Thank you.
को। है जो मेरे शरीर को मुझे जकड़े जा रहा, मैं इसे अपने शरीर से अलग क्यों नहीं कर पा रहा हूं। चाहकर भी मैं इससे मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा हूं। लगता है मुझे अपने शब्द चक्र जागृत करने होंगे। मुझे अपने शरीर पर कब्जा करने दो, मुझे एक शरीर चाहिए जिससे मैं पाप करवा सकूं। हो तो तुम शक्तिमान से पाप करवाना चाहते हो। अच्छा हुआ तुमने अपने आप को काबू करने का उपाय बता दिया मुझे।
इससे पहले कि किलविश की आंख कहां सो दुनिया को पापमय बना दे, मुझे इसे नष्ट कर देना होगा। और खत्म करने का सबसे बड़ा उपाय इसे सूर्य देवता के पास ले जाना है। मैं इसे सूर्य देवता के पास पहुंचाऊंगा, वही इसे जला के राख कर देगा। सूर्य देवता, किलविश की आंख से निकला हुआ ये कांसू पाप बनकर पूरी पृथ्वी पर फैल जाने वाला था। मैंने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मैं इसे आपको सौंप रहा हूं, जानता हूं आप इसे नष्ट कर देंगे, जानता हूं आप इसे नष्ट कर देंगे। धन्यवाद सूर्य देवता, ये कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अब हमारी पृथ्वी सुरक्षित है। शक्तिमान, तू सोच रहा होगा कि सूरज की आग में किलविश का आंसू भस्म हो गया होगा, लेकिन मैं उसी आंसू का बचा हुआ एक अंश हूं, और उसका हर अंश संसार में पाप फैलाने के लिए काफी है। खुश हो शैतानी आत्माओं, खुश हो अगरम बगरम अखला का हा, खुश हो अगरम बगरम अखला का हा। मेरी पुकार सुनो, मैं सालों से तुम्हारी मिन्नतें कर रहा हूँ, सालों से तुम्हें मना रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी ख्वाहिशें पूरी करो। मुझे ताकत चाहिए, शैतानी ताकत चाहिए। आखिर कब तक मैं ऐसे ही भटकता रहूंगा, कब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा, कब तक मैं नाकामी का शिकार होता रहूंगा, कब तक मैं नाकामी का जहर पीता रहूंगा। मेरी बात सुनो, आखिर कब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा, मेरी बात सुनो, मेरी पुकार सुनो। कौन है? बेवकूफ तांत्रिक, क्यों बेवजह अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? कौन है, कौन है? सामने आओ, सामने आओ। मैं कौन हूं ये जानने से ज्यादा जरूरी ये है कि तू अंधेरे को जान, उसकी पनाह में आ। कैसी पनाह, किसकी पनाह? पाप के जरिए, फरेब के जरिए, झूठ और आतंक के जरिए। अगर
मगर इस सबसे मुझे क्या हासिल होगा? इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वही जो तू आज तक हासिल नहीं कर सका, ताकत, हिम्मत, हौसला और बेहतर कल। मगर ये सब मुझे कौन देगा? कौन देगा? अंधेरे का सम्राट तमराज किल्विश। किल्विश? कौन किल्विश? वही जो पाप, अत्याचार, अभिमान और तमाम शैतानी ताकतों का मालिक है। वही जिससे हर बुराई शुरू होती है। वही जो इन सारी बुराइयों का जन्मदाता है। मुझे बता, बता, ऐ शैतानी नुमाइंदे, मुझे किल्विश की दास्तान बता।